बॉस उधर से क्लिक कीजिए ना, नेपाल कॉल्ट है और गाड़ी कहाँ है। बिहार का मुकाबला। टॉस का सिक्का हवा में और टॉस जीता है, कॉल टॉस हुआ है, कॉल टॉस हुआ है, आप बोलेंगे। ये टॉस का सिक्का हवा में और देखना है कि यहाँ पर टॉस किसने। नेपाल की टीम ने टॉस जीता, चांदी का सिक्का उनका हुआ। और टॉस जीतने के बाद नेपाल के कप्तान से मैं बातें कर रहा हूँ, जो कल्याणपुर नेपाल के। क्या आपका फैसला क्या है, बैटिंग करेंगे इस पिच पर? आपने कभी खेला है इसके पूर्व? तो क्या एक इमेजिंग क्या रखना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है, क्या लक्ष्य देना चाहते हैं मधुबनी के कप्तान को, उनकी टीम को? उससे पहली बात क्या, ये इस ग्राउंड पे मैंने पहली मरतबा आया जी, पिच का भी मायना किया है। अभी कौन सी टीम टॉस जीते हैं भैया? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 160-165 का टारगेट देना चाहेंगे आगे की बात जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मधुबनी के कप्तान से हम बातें कर लें, हमसे जुड़े हुए मधुबनी टीम के कप्तान, उन्होंने कहा है कि 165 से 75 ज़्यादा आइडिया उन्हें नहीं है। तो क्या आपकी टीम में कितने गेंदबाज हैं आज? सभी ऑलराउंडर है। तो बहुत खुशी की बात है कि टेनिस मुकाबले में ऑलराउंडर्स का होना बहुत लाजमी होता है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं वीर शेखर गढ़िया के तमाम प्यारे दर्शकों का अभिनंदन करते हुए ले चलता हूं आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट आए बाबू, उन्होंने गेंद की पहली गेंद फिरदौस को। टॉस जीता था आज नेपाल टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यूरोश T20 क्रिकेट प्रतियोगिता गढ़िया का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं मधुबनी बनाम कल्याणपुर नेपाल के बीच। बाएं हाथ से राउंड द विकेट रिवर्स स्विप करने की कोशिश, उछाल कर खेलना चाहते थे वाइडिश थर्डमैन की दिशा में। पिच की जो क्रीज की लंबाई होती है, जो गहराई होती है, उसका उपयोग भी किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। खाता खुलने का इंतजार अब भी, सर्किट के अंदर 9 और बाहर 2 खिलाड़ी, पावर प्ले का खेल चलता हुआ। अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला और यहां पर बल्ला छूटा है और शायद बाल बाल बचे यहां पे भाई, अजीब मंजर हो जाता है। अभी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है रनिंग बिटवीन द विकेट में, उसमें अगर कभी तालमेल गड़बड़ा जाता है तो फिर ताउम्र बल्लेबाज खुद को माफ नहीं कर पाता। लंबा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी गेंदबाजी में स्लोअर डिलीवरी डाली, लेंथ बहुत ही अच्छी और गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी कांटा बदली, इस वजह से अक्रॉस द लाइन आए थे बल्लेबाज। 4 डॉट गेंदे डाल चुके हैं बाबू अब तक। बाबू बाएं हाथ से राउंड द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और फिर से देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी हो रही है। 5 की 5 गेंदे डॉट, अगर टेनिस बॉल के मुकाबले में कोई गेंदबाज मैच के शुरुआती ओवर में करवा दे तो ये बड़ी बात होती है। बाबू फिरदौस के लिए उद्घाटक जोड़ी नेपाल की आई है, फिरदौस और साथ में है नन्हे। तो लीजिए यहां पर इस ओवर में नन्हे को खेलने का मौका भी नहीं मिला और पहला मेडन ओवर संपन्न होता हुआ। ये देखिए मैं तमाम दर्शकों को दिखा रहा हूं, अभी कम संख्या में दर्शक इकट्ठे हुए हैं। लीजिए बैटिंग डन हो जाएगा ना तो इससे ज्यादा। और जैसे जैसे मैच का वक्त निकलता जाता है दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। अब हटिया एंड से गेंदबाजी की जिम्मेवारी चंदन यादव के कंधों पर है। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, अच्छी गेंद,
और शायद यहां पर पहला रन आता हुआ, अच्छी फील्डिंग और अच्छी थ्रो भी आई विकेट कीपर के हाथों में। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी तो पहला रन बनता हुआ नेपाल का नन्हे के बल्ले से। फिरदौस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे चंदन की गेंद का। राइट आउट ओवर द विकेट, उछाला है गेंद को और जो दर्शक देखना चाहते हैं वो शॉट दिखाया और इशारा आया अंपायर का 6 रनों का। चंदन यादव, फिरदौस ने गेंद के आने का इंतजार किया, बैक टू द बॉलो खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को मैसी बनते हुए अपने कदम ताल मिलाते हुए मानो फुटबॉल और क्रिकेट को जोड़ रहे हो चंदन। आजकल क्रिकेटर्स खुद को फिट रखने के लिए फुटबॉल भी खेलते हैं। अच्छी गेंद, गेंद में तेजी थी, तरकीब थी और रफ्तार भी थी, जो चाहिए इस पिच पर वो दिखाया चंदन यादव ने। सीधी गेंद रहती विकेट कीपर के हाथों में आई, रन की गुंजाइश नहीं। अगर कुल रनों की बातें करें 7 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर बगैर किसी नुकसान के नेपाल। हल्की गेंद और अच्छा प्रहार किया है डीप में विकेट की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड की जाती है। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए तो 2 ओवर संपन्न हुए। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कल्याणपुर नेपाल का कुल योग है 8 बगैर किसी नुकसान के। ओवर अपने स्पेल को बढ़ाते हुए और यहाँ पर हाथों में गेंद आई और किसी बेवफा प्रेमिका की तरह गेंद ने कहा कि जाओ मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, छिटक गई उनसे। पहला मौका पहले ओवर में आया था रन आउट का, दूसरा मौका एक आसान सा कैच रिवर्स स्विप लगाते हुए नजर आए थे बल्लेबाज। फिरदौस एक छक्का लगा चुके हैं, फिरदौस खेल रहे कुल 7 के ऊपर, एक पर नन्हे कुल 8 रन। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, थ्रोइंग भी लाजवाब, एक रन लिया है। और अक्सर आपने देखा होगा कि इस फील्डिंग पर अगर कोई बल्लेबाज दूसरा रन लेने जाते हैं तो अक्सर धोखे में रन आउट होकर उन्हें वापस पवेलियन भी लौटना पड़ता है। इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता होगी। लंबा मुकाबला है, टेनिस में ज्यादा संख्या में दर्शक मौजूद हैं, चारों तरफ कम से कम 8,000 की भीड़ आज मौजूद इस स्टेडियम में। आप देख रहे हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेला जा रहा लौकही गढ़िया के अंदर यूनुस ट्रॉफी का प्रथम मुकाबला कल्याणपुर नेपाल बनाम मधुबनी का। टॉस जीता मधुबनी टीम के कप्तान, माफ करेंगे नेपाल टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। उन्नीस रन बनाकर वापस पवेलियन गए हैं। अभी अभी 2 छक्के लगाए थे विकास पोलार्ड ने। कुल रन कल्याणपुर नेपाल का 137, 7 विकेट के नुकसान पर। एक हवा में शॉट और एक और विकेट का पतन होता हुआ हाथों में। मात्र अब 2 विकेट शेष बचे हैं, 2 ओवर भी मात्र बचे हैं। नेपाल टीम 18 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 137। तो अब 19वां ओवर फेंका जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। सन्नी आए हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज नए बल्लेबाज के रूप में। और काफी देर के बाद एक गेंद मेरी तरफ आई है, अभी तक कोई भी गेंद जमीनी शॉट से इधर आई नहीं थी। पहली दफा एक लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आती हुई जमीनी, हवाई शॉट में 2-3 छक्के लगाए इधर और इस सिंगल के जरिए 138 रन कल्याणपुर नेपाल का कुल योग चला गया है। 19वां ओवर, काफी बाहर की तरफ गेंद थी और मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ, बहुत ही आवश्यक चौका था। कर रहे हैं 19वां ओवर देखा जा रहा है। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें, वलीउल्लाह 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 पर मनोज,
और यॉर्कर करलेन की गेंद, कमाल की गेंदबाजी। अब तक मधुबनी के समस्त गेंदबाजों ने दिखाया है और खासकर सनी वर्मा और जो पहले ओवर को लेकर आए थे उन्होंने शानदार, बाबू ने शानदार गेंदबाजी की थी, 21 रन मात्र दिए थे 4 ओवर में। और बॉडी लाइन अटैक बिल्कुल यहां पर चकमे में डाला बल्लेबाज को, और जब विकेट कीपर ऊपर रहते हैं तो ऐसे में छूटना लाजमी है। जब ब्लाइंड की स्थिति हो जाती है, ब्लाइंडनेस, बल्लेबाज आपकी आंखों के सामने आ जाए तो फिर गैदरिंग करने में प्रॉब्लम भी होती है। मैं खुद यूनिवर्सिटी विकेट कीपर हूँ, बीएन मंडल 99% कर चुका हूँ। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, ऑफ कटर गेंदें जो होती हैं वो अक्सर बल्लेबाज के लिए परेशानी का सबब हो जाती हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट, काफी देर के बाद एक हेलीकॉप्टर शॉट। 20 ओवर की समाप्ति के बाद कल्याणपुर नेपाल का कुल योग 144 ओवर 19 खत्म हो गए हैं। विकेट गिरे हैं अब तक कुल 8 विकेट 144 के योग पर 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात कल्याणपुर नेपाल। बहुत ही बाहर, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए फार वे एंड की तरफ से, हटिया एंड की तरफ से शैलेंद्र आए हैं। शैलेंद्र आखिरी वक्त में गेंद को दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ में पकड़ते हैं और फिर गेंदबाजी करते हैं। बॉल्ड मार दिया, काफी देर के बाद डंडा गिरा है। अब तक जितने खिलाड़ी आउट हो रहे थे, कैच आउट हुए थे, पहली बार डंडा हिलता हुआ। 9वें विकेट का पतन, और देखना यह है कि क्या इस पर एक विकेट हो, अगर विकेटों में लगती तो निश्चित तौर पर फॉलो थ्रू पिकअप कि मैं दाद देना चाहूंगा शैलेंद्र की, अच्छी फॉलो थ्रू पिकअप। 146 कल्याणपुर नेपाल, आखिरी जोड़ी बीच मैदान में मौजूद, सिंगल ही मिलेंगे। 147 हवा में, और ये लीजिए आखिरी विकेट का पतन हो गया। नेपाल ऑल आउट हुई 147 रनों पर, नेपाल की टीम ऑल आउट हुई। 148 रनों का लक्ष्य रखा है मधुबनी के सामने। इस सूचना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लंच के बाद फिर जुड़ूंगा। नदीम और चंदन की जोड़ी आई है मधुबनी टीम की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेवारी, और गेंदबाजी में फिरदौस आए हैं नेपाल एंड की तरफ से। हल्के हाथों से गेंद डाली गई थी, शॉर्ट लेग में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो लीजिए लक्ष्य का पीछा जो करना है नेपाल के द्वारा, जो दिया गया लक्ष्य था मधुबनी के लिए वो था 148 रनों का। 147 रन बनाकर ऑल आउट हुई टीम 20वें ओवर में। अच्छी गेंद अंदर की तरफ, परिवर्तन के तौर पर गेंद आई थी, कॉपी बुक स्टाइल में बल्ला और पांव एक साथ लाए, सामने की तरफ खेला, दूसरी गेंद भी डॉट। 20-20 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं यूनिस ट्रॉफी में मधुबनी बनाम कल्याणपुर नेपाल का मुकाबला। फुल टॉस गेंद यॉर्क कराने की कोशिश, बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं, एक और डॉट। जिस तरह की गेंदबाजी मधुबनी तरफ से हुई थी उसी तरह से शुरुआत नेपाल तरफ से भी हुई है। 32 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए थे फिरदौस ने, और गेंदबाजी में 4 गेंदें डॉट कर चुके हैं। गेंद को घुमाया है और यहां पर क्षेत्ररक्षक घेरे का फायदा उठाया, 4 रन निकलता हुआ।
मधुबनी का खाता खुलता हुआ 4 रन। मनोज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लंबी पतली दुबली छहरी काया, टेनिस बॉल और यहां पर घुमाया हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और यहां पर गेंद उनके हाथों से छिट, अच्छा शॉट, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, 4 रनों का इशारा, बोल्ड मारा है और पहला विकेट गिरता हुआ। दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ती हुई और उन्हें यकीन हो रहा है कि यह मुकाबला कांटे का होगा में पतन हो चुका है नदीम के रूप में। और अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से नेपाल एंड की तरफ से गेंदबाजी करने आ रहे हैं फिरदौस, अच्छी बल्लेबाजी की थी फिरदौस ने, घुमाया है बहुत ही दूर, गेंद जा रही है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, लग गया शानदार छक्का, 9 के बाद एक छक्का लगा तो कुल 15 का योग। मधुबनी की टीम बुलंद हौसले के साथ 148 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। फिरदौस राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से अपने सामने दबाया तो चंदन अपनी खुशबू यहां पर बिखेर रहे हैं अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से, एक अलग स्टाइल उनका, एक अलग स्टांस। और बैक टू द बॉलर, एक चांस नजर आ रहा था लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटक गई। फिरदौस राइट आर्म, क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत, क्या नजाकत के साथ गेंद को मोड़ा है स्क्वायर लेग की दिशा में, दंदनाती हुई गेंद चली जा रही बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए। 19 रन मधुबनी टीम के बन गए हैं बातों ही बातों में। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, फिरदौस गेंदबाजी कर रहे हैं चंदन के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, कलाइयां मुड़ी हैं और बाबू गेंद के आने का इंतजार किया है और ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में 1 रन। ओवर की समाप्ति हुई, कुल 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। मनोज यादव अच्छी गेंदबाजी, लंबी कद काठी के अब तक के सफलतम गेंदबाज, एक जो विकेट गिरा है वो मनोज यादव को ही मिला। जाइश नहीं आपकी, आहा क्या बात है, क्या उछाला है, दमदार शॉट, टहला दिया है गेंद को खेतों की तरफ 6 रनों के लिए। मनोज अच्छी बल्लेबाजी बाबू की, खेलते के साथ दौड़ लगा चुके हैं, 1 रन लिया है, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, क्षेत्ररक्षक मौजूद, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, सिंगल्स लिए जा रहे हैं और उसमें जो मेडल्स लगते हैं यानी चौके छक्के लगते हैं उसकी खूबसूरती सिंगल से बढ़ती है। खेलना चाहते थे कहीं और, बैकफुट पंच, क्रिस की गहराई का ज्यादा इस्तेमाल करते तो बेहतर होता, खड़े खड़े उछालना चाहते थे। और टेनिस गेंदों में ऐसे शॉट्स लगते हैं, बड़े बड़े छक्के मैंने लगते हुए देखे हैं। मनोज यादव राइट आर्म ओवर द विकेट और देखिए पिछली दफे जो कोशिश की थी उसमें इस गेंद में सफलता प्राप्त हुई बाबू को, एक शानदार चौका निकला। ओह चंदन आज भाई अपनी खुशबू बुखेर कर ही जाएंगे, यहां क्या लाजवाब शॉट था, दिल जीत लिया इस शॉट ने, जमीनी आहा क्या बात है,
चंदन के लिए, और चंदन ने मोड़ा है इस गेंद को और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। चंदन तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग, चंदन तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग, तुम दूर से लगते हो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग। बातों ही बातों में रन बढ़ रहे हैं, 41 रन। और लीजिए एक और गगनचुंबी, गगनचुंबी आज गेंद नीचे उतरने वाली नहीं है, शानदार छक्का 47 चंदन के लिए। फिरदौस राइट आर्म राउंड द विकेट, ओह इनसाइड आउट, क्या खूबसूरत शॉट है ये, लाजवाब शॉट। और इसी के साथ रनों की कुल संख्या चली गई मधुबनी की, 50 रन पूरे हुए मधुबनी के, 51 रन, वाह 20 रन आ चुके हैं इस ओवर में। चंदन के लिए फिरदौस राइट आर्म ओवर द विकेट, और चंदन मायूस होंगे। किस क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया था चंदन ने, बैकफुट पर गए थे और इनसाइड आउट स्टाइल में खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन स्ट्राइक उनके पास रहा। ओवर संपन्न, कुल ओवर की समाप्ति हुई 5, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन मधुबनी 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत नाराज होंगे खुद से, चंदन का स्कोर बताएं, व्यक्तिगत स्कोर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। ओह क्या खूबसूरत, अगर ये लेदर बॉल का होता तो गेंद कब की निकल जाती। चंदन तो खुल के खेलेंगे भाई, फ्री हिट और उछाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये फ्री हिट था, सुरक्षित रहेंगे। बेशक कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन, और बहुत ही दूरी तय करेगी, जाइए हटिया से उठा के लाइए, शानदार छक्का 60 रन। बाबू के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ, दंदनाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 60 पर। सन्नी और लाजवाब डीप मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया है गगनचुंबी छक्का, देखिए दर्शक यहां पर बड़े ही मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है बाबू और चंदन के द्वारा, 66 रन बातों ही बातों में आ गए। और लीजिए एक बार फिर कोशिश अच्छी हुई थी, शतरक्षक मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। बातों बातों में बाबू, मुझे तो लगता है बाबू मैन ऑफ द मैच की दौड़। गेंदबाजी भी यहाँ पर विकास दिखाई पड़ रहे हैं, विकास पोलार्ड मुझे बताया गया था इनका नाम, पिछली बार भी शायद मैंने ये नाम बोला है गढ़िया में, विकास पोलार्ड। छोटा सा रनअप, गेंद के पीछे आए हैं, कट किया है और क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद होंगे। और जब तक गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले अपने, 68 रन। जबकि सामने एक बार फिर से वो खूबसूरत बल्लेबाज आया है जिसने यहां उपस्थित भीड़ का दिल चुराया है, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन। विकास ने फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली दिखाई है, जो एक स्क्वायर लेग था बाउंड्री लाइन पर, उसे शॉर्ट फाइन लेग बना दिया गया है, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में लगाया है। ये देखिए घुमाया, और ये जो प्लेसमेंट था वो शायद काम आया या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और एक और शॉट, थोड़ी सी खामोशी है। दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन शायद अब तक एक तरफा नजर आता हुआ। लीजिए एक और दमदार दमदार बहुत ही दिलेर छक्का जिसे आप बोलते हैं, वो लगाते हुए यहां पर चंदन। चंदन का व्यक्तिगत स्कोर बताएं तो चंदन पहुंचे अपने 43 के कुल व्यक्तिगत योग पर, अर्धशतक से मात्र 7 रन दूर, और 79 की कुल रन संख्या चली गई मधुबनी की। ओह पहली दफा कदमों का इस्तेमाल किया था, एक
जरूरत नहीं है इस तरह के खेल खेलने की। आपका जो खेल है, आपकी जो मजबूती है, उसे आप पकड़ के खेले तो बेहतर रहेगा। 43 का योग व्यक्तिगत चंदन का। और यहां पर इनसाइड आउट, थोड़ी देर हवा में गेंद तैरी थी, लहराई थी, लेकिन क्षेत्र रक्षक पीछे थे दर्शक बन के। एक रन, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाबू का यहां पर चल रहा है। 26 पर बाबू सामना करेंगे विकास की गेंद का। और ये गलत गेंद, एक और इशारा जरूर आएगा, बिल्कुल नो बॉल का इशारा आया है और गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में, और फ्री हिट का इशारा आता हूं विकास पोलार्ड चंदन के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को उछाला है और गेंद बहुत ही दूर, 110 मीटर की दूरी तय करते हुए गिरी है सड़क के उस पार छक्के के साथ। के साथ 50 रन पूरे हो गए चंदन के। चंदन, तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। 7 में 88, 8वां, और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को घुमाया है क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जब तक स्क्वायर लेग पर गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन बदले और सिरा भी बदलना पड़ता है अंपायर्स को, बायां दायां संयोग। मोहम्मद यूनुस साहब आपका बहुत ही शुक्रिया, और वाइड का इशारा भी आया अंपायर की तरफ से, कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर गेंद कनेक्ट होती तो एक लंबा छक्का देखने का फिर से मौका मिलता। नेपाल की तरफ से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली गई जिसका भरपूर फायदा उठाया मधुबनी के बल्लेबाजों ने, और इस पूरे मुकाबले का सबसे लंबा छक्का। बहुत ही लंबा छक्का जाता हुआ चंदन इस छक्के की मदद से पहुंच गए अपने कुल निजी 56 पर, और मधुबनी टीम का योग चला गया है 96 जीतने के लिए। अब मात्र रन 52 चाहेंगे, 52 मोर रन्स रिक्वायर्ड। अबर तोड़ंदाज में मात्र एक विकेट का पतन हुआ है, लीजिए, और यहां पर गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में, एक और चौका, लेग बाय का इशारा, बल्लेबाज के खाते में जाता हुआ, और एक और शॉट। स्कोर सुनिए दर्शकों, कुल रन मधुबनी 100। बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन, मधुबनी के 60% रन चंदन के बल्ले से निकले, 5 गगन छुंबी छक्के लगा चुके हैं, और छक्के छक्का, यानी 6 छक्के लगा चुके हैं चंदन की बल्लेबाजी, पूरी तरह से आज के मुकाबले में छा गए चंदन। ओवर तो काफी बचे भैया, होगा मतलब रखिएगा, फिर से यहां पर मोड़ा है और फिर से गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका निकलता हुआ चंदन के बल्ले से। 8 ओवर की समाप्ति हुई है, रनों की संख्या 110, एक विकेट के नुकसान पर, और हमारे स्कोरर जोड़ के बता रहे हैं पिछले 2 ओवर्स में 42 रन मार दिए गए, 21 रन मार पड़े हैं भाई ओवर्स में की जाती। बाबू ने भी बेहतरीन शॉट खेला है, जमीनी शॉट खेला है, क्या लाजवाब, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलते हुए बाबू ने एक रन लिए। बाबू पहुंचे इस सिंगल के जरिए अपने कुल निजी 29 पर, और चंदन खेल रहे हैं अपने कुल निजी 66 पर, और जोड़िए एक और छक्का, 72, ये तो भैया हाथ में चली गई गेंद और आउट होकर बड़े मायूस दिखाई पड़ रहे हैं। बाबू के पास मौके अच्छे आ गए हैं कि खुद को वो, और रवि ने इस बॉल को बनारस भेज दिया, कमाल की बल्लेबाजी भाई रवि, एक ऊपर में चमकता हुआ रवि, एक नीचे में रवि, बनारस पहुंचाया गेंद, 123 रन
चंद लम्हों का खेल बचा है भैया। रवि बनारस, ये गेंद गई नेपाल, ये गेंद चली गई नेपाल, दो गेंदों में दो छक्के रवि बनारस का, एक बेहतरीन मौका है हैट्रिक सिक्स पर, और यहां पर यॉर्क करा दिया स्लो डिलीवरी, और अब ये भी चूके एक और ओवर संपन्न होता हुआ, तो कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 9 ओवर, 129 रन 9 ओवर, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर मधुबनी, मात्र 19 रन चाहिए जीतने के लिए मधुबनी की टीम को, यह आश्चर्यजनक बात, आधे ओवर पूरे नहीं हुए अभी। जेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और लाजवाब अंदाज में, जीतने के लिए 18 रन चाहिए, 3 छक्के मार सकता है ये बल्लेबाज रवि बनारस। एक गेंद को नेपाल पहुंचाया, एक को बनारस पहुंचाया, पता नहीं इस गेंद को कहां भेजेंगे, सुपौल भेजेंगे क्या, बिल्कुल सुपौल की दिशा में, ओ लपेटा तो अच्छा था, घुमाया भी अच्छा था, लेकिन गेंदबाज ने कहा भैया अभी रुक जाओ, मैं कोई कच्चा या बच्चा नहीं हूं, दिखने में तो गेंदबाज छोटा सा बच्चा है लेकिन गेंदबाजी करता है तो लगता है 4-5 बच्चों का चच्चा है। यूनिस ट्रॉफी, आई दिल जीत के गए थे चंदन, और रवि तो भाई एक अलग किस्म के बल्लेबाज, ओह माय गॉड, ये गेंद आज नीचे नहीं उतरने वाली है, पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का, 120 मीटर की दूरी जरूर तय की होगी इस गेंद ने। एक तो यूनुस जी ने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया और दूसरे रवि की बल्लेबाजी, 3 छक्के लगा चुके हैं 6 गेंदों में अब तक रवि बनारस, जीतने के लिए मात्र 12 रन। सुपौल चली गई है गेंद, रवि ने तो भाई आज दिल जीत लिया, गजब बल्लेबाजी। ये देखिए रवि बनारस की लंबी चौड़ी कद काठी, इस गेंद पे छक्का लगा के टीम को जिताएंगे, और ये बॉल 4 रनों के लिए भूषण जी का इशारा। जबकि 10 ओवर संपन्न हुए थे तो कल्याणपुर नेपाल का कुल योग था 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन, और 146 पर पहुंची हुई है मधुबनी की टीम, जीतने के लिए 2 रन चाहिए। और इसी के साथ, इस छक्के के साथ, इस मुकाबले को मधुबनी की टीम ने 8 विकेटों से जीत लिया है, इस मुकाबले को जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई मधुबनी की टीम। रवि ने शानदार बल्लेबाजी की, बाबू ने शानदार ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाया, और साथ ही साथ चंदन का लाजवाब जलवा रहा। तो इस सूचना के साथ कि कल के मुकाबले में हम फिर से हाजिर रहेंगे और कल का मुकाबला खेला जाएगा, कि चलिए मैं अब विदा लेने से पहले बता दूं कि अपने साथी नदीम और अजहर आज साथ दे रहे थे मुझे यहाँ स्कोरिंग में, नदीम और अजहर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे काफ़ी सहयोग किया, और खासकर यहाँ के दर्शकों का भी शुक्रिया जो यहाँ पर मैच में बने रहे। आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए, ट्रॉफी को दिखाते हुए मैं अपने चैनल से वापस चलता हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंटेटर पीएन शेखर के साथ, और इस मुकाबले को पूरे देखेंगे, 2-4-5 घंटे में ये डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।